सुनला कहला पर मत अघाई। करम में लिखल हुई तब वो जरूरी नहीं है कि संसद जाए। गौर लगता नहीं, स्वागत बरुआ लोग के न्यूज़ बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में। लोकसभा के चुनाव जौना में 17वीं लोकसभा के गठन हुई और एक खातिर अंतिम दौर के अब प्रयास और वोटिंग चल रहा बा। 6 चरण के चुनाव हो गई बा। कमो बेस रुआ लोग अब सुन ले लोग कि का स्थिति बा और कई तरह के सर्वेक्षण के लेकर के विचार लोग के आवत हुई। हर पार्टी अभी भी दावेदारी में लागल बढ़ुए और हर गठबंधन आपन आपन जीत के दावा करता। जमीनी हकीकत और सर्वे बहुत कुछ कहतरन। जहाँ एक तरफ ये बात कहल जा रहा बा कि हम जीत, लोग ये कह रहा बा कि अब चुनाव के अंतिम चरण में अंतिम दौर में जे कुछ भी हो रहा बा ओकरा पीछे बहुत पुरान बात पड़ुए और हर तरफ से एक ही बात हो रहा बा कि अब ये चुनाव के बहुत कुछ क्लियर हो गई बा। कारण कि 543 सीट में से रुआ मान के चली कि अब अंतिम चरण में 6 चरण के चुनाव हो गए के बाद 484 सीट के चुनाव हो चुकल बड़ुए। 6ठा चरण में कुल 59 सीट के चुनाव हुए। देश के अलग अलग हिस्सा में जना में बिहार सबसे महत्वपूर्ण रहे, एजा भी 8 गो सीट पर चुनाव हुए। चुनाव के विश्लेषण रुआल सुन लो कब भारत लाइव भी अपन विश्लेषण लेके आए रहे जना के रुआ लोग बहुत ज़्यादा सटीक मलनी और जहाँ जहाँ के सर्वेक्षण आई रहे ओकरा से हमनी के सर्वेक्षण यानी भारत लाइव के सर्वेक्षण पर रुआ लोग ज़्यादा भरोसा कई नहीं। ये भरोसा तब से कायम बा जब से हमनी के लगातार पिछला 6 साल से 7 साल से लगातार रुआ लोग के साथ जुड़ल बनी जा न्यूज़ बिहार और भारत लाइव के माध्यम से। और तब से ही भरोसा जो बनल बा ये परिवार 3 लाख से ऊपर भारत लाइव में और न्यूज़ बिहार में 5 से 6 लाख के ऊपर हो गई बा। ये पूरा परिवार के जो सृजन भइल बा एकरा पीछे रउआ लोग के भरोसा विश्वास बा और हमनी के प्रयास रहला कि जो खबर रउआ लोग के सामने रखी जा वो खबर पूरी तरह से पक्का होके और रउआ से सरोकार रखत होके। 6 चरण के चुनाव खत्म हो गई और 59 सीट में अधिकांश सीट अब जो 7वां चरण के और 6ठा चरण के चुनाव के जो गुना भाग बढ़ुए एक में भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में बाड़ी और सबसे लीडिंग पार्टी बाड़ी एनडीए के उनकर पूरा पूरा जो नसीब बा भविष्य बा वर्तमान बा सब दाव पर लागल बा। जौन 6 गो सीट भइल है चुनाव एकरा में 6ठा चरण के जो चुनाव भइल माफ करब सर 6ठा चरण के जो चुनाव भइल बढ़ुए 8 सीट खातिर ये 8ों सीट पर एनडीए कब्जा रहा। 7 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के और 1 सीट पर एलजेपी के कब्जा रहा। एमें कहीं दूर दूर तक महागठबंधन ना रहे। ऐसे तो महागठबंधन 40 सीट में से 8 सीट छोड़ के बाकी सब सीट पर गायब रहे। समीकरण थोड़ा बदलल बा 2014 और 2019 के बीच में समीकरण ये बदलल बा कि जहाँ ये 8 गो सीट के जो चुनाव रहा था ये चुनाव के रुआ अगर देख के चली तो रुआ आंकड़ा के हिसाब से देखी तो पूरा पूरा जो सीट रहा है इसमें सबसे पहला शुरुआत कर ली वाल्मीकि नगर से। वाल्मीकि नगर भारतीय जनता पार्टी के लग रहा है। विश्लेषण पूरा रुआ के बताइब और का हार जीत के आंकड़ा बा एकरा के हर सीट के जीत रहा बा यहाँ तक ले रुआ लोग के 90% तक के हम पूरा आंकड़ा रुआ लोग के बताइब। तो जैसन कि रुआ के बतैनी है कि वाल्मीकि नगर के बाद तब वाल्मीकि नगर भारतीय जनता पार्टी के जिम्मे रहा है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अपना उम्मीदवार पर भरोसा ना रहा। नालंदा के एकरा अलावे रुआ बात कर ली वाल्मीकि नगर के बात करी वाल्मीकि नगर के बाद पश्चिमी चंपारण तो इहो सीट रहा है भारतीय जनता पार्टी के पास। पूर्वी चंपारण भारतीय जनता पार्टी के पास। शिवहर भारतीय जनता पार्टी के पास। वैशाली के सीट लोजपा के खाता में रहा और लोजपा से इस सीट पर रामा सिंह जीत रहा लेकिन शुरुआत में ही वो पार्टी से थोड़ा उनका अनबन हो गई और वो वजह से अपना के अलग पार्टी से कर और पार्टी भी उनका के अब कहली चुनाव में टिकट ना दिला सा। इस सीट चल गई बुड़ुए जेडीयू के खाता में जौन नया गठबंधन बनल है एनडीए में। जैसे ही जेडीयू आयल है तो जेडीयू के 17 सीट में 1 सीट एलजेपी के खाता से ई भी मिला रहा। गोपालगंज भारतीय जनता पार्टी के रहा लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना
जो कैंडिडेट रहे हैं जीतल उम्मीदवार रहे हैं सांसद रहे हैं उनका पर भरोसा ना भइल है और वो इस सीट के दे दिला सा जेडीयू के। सिवान के भी वही कहानी बा। सिवान में भी बीजेपी के सीट रहा लेकिन गठबंधन में इस सीट चल गई जेडीयू के, यानी ओम प्रकाश यादव पर जो वर्तमान सांसद बड़े उनका पर भरोसा ना रहा। ओम प्रकाश यादव एकरा के लेके काफ़ी दुखी भी रहन, मन में ये अलग से चुनाव लड़े के भी बात सोच ले रहन, लेकिन अंततः उनका के मना लिहल गई चूँकि भारतीय जनता पार्टी अपने जितना भी खिसियाई सांसद रहे हा नेता रहे हा सब लोग के लगभग मना ले ले बड़ुए एकाध दुगो के छोड़ के। महाराजगंज के बात करी तो महाराजगंज वह पते बड़ुए कि ये भी भारतीय जनता पार्टी के पास रहा। एकरा मतलब कि कुल 8 सीट में 7 सीट जोन बा उ रहा भारतीय जनता पार्टी के पास और एक रहा LJP के पास। अब एजा के समीकरण के रूप से बात कर ली तो सबसे पहले हमने के समीकरण के शुरुआत करी जा जौन सीट बढ़ुए वाल्मीकि नगर के। वाल्मीकि नगर के बात करी तो वाल्मीकि नगर में इस सीट चल गई बढ़ुए जदयू के पास। जदयू बैद्यनाथ महतो के सीट पर खड़ा के लिए बढ़ुए और बैद्यनाथ महतो लगातार चुनाव वजह से लड़ता होता रहे। रुआ याद हो 2009 में चुनाव जीतल भी रहन, 2014 में उनका स्थिति ऐसा रहे कि 1,00,000 से भी उनका कम वोट आई रहे। एजा से सतीश चंद्र दुबे जीतल रहन। सतीश चंद्र दुबे के भी कहानी रुआ के बताई दिल रही है कि सतीश चंद्र दुबे जब उनका टिकट ना मिलल तो कारण अपना पार्टी से पूछले कि हमारा काहे टिकट ना मिलल। जब कारण ना उनका वैलिड मिलल तो उ पार्टी से विद्रोह कर दिल रहन और हमारे से बातचीत के दौरान भी मानी भारत लाइव से बातचीत के दौरान भी कहले रहन कि हाँ उ चुनाव लड़े के तैयारी करता रहन। अब में कोनो दूर आए कहाँ बा, लेकिन अंत समय में सवर्ण लोग के चूँकि स्थिति ठीक ना रहा उनका के मनावे के प्रयास बैला और सवर्ण लोग के एक पक्ष करे खातिर भारतीय जनता पार्टी अपन जो तीर छोड़ रहा जदयू से उधार लेके उ तीर निशाने पर लागल और कोनो ना कोनो ऐसा बात जरूर भई जौना के चलते सतीश चंद्र दुबे मान गईले। अब उनका के MLC बनाई राज्यसभा भेजी कि का करी वो अलग बात बा, लेकिन वो खुश बाड़ा कि उनका संगे समझौता हो गई, पार्टी उनकर बात मान लेलस, उनका प्रतिनिधित्व के स्वीकार कर लेलस। अब एजा कांग्रेस जोन बा महागठबंधन से अपन उम्मीदवार खड़ा कैले बा और एक बहुत पुरान राजनीतिक परिवार जेकर नाम बढ़ुए भारत के और बिहार के राजनीति में इतिहास में बहुत बड़ा योगदान भी बा केदार पांडे के रुआ धाम सुन लो। खूब केदार पांडे के पौत्र बाड़न शाश्वत केदार जिनकर पिता भी सांसद रह चुकल बाड़न मनोज पांडे। केदार पांडे के बहुत बड़ा जीवन रहा, बिहार के मुख्यमंत्री रहा, रेल मंत्री भी रहा बड़ा और वो योगदान के देखते हुए ऊर्जा के लोग में और खास करके सवर्ण वर्ग में और बहुत निचला वर्ग में बहुत ज़्यादा उनकर सम्मान बा, वो परिवार के सम्मान बा। एकरा के लेकर के शाश्वत केदार कड़ा टक्कर दे रहा बड़ा सतीश चंद्र दुबे के, यानी कि कमो बेस अगर मान के चली तो 60-40 के रेशियो अब तक हमनी के हिसाब में बढ़ुए जौन हमनी के आंकड़ा और हमनी के सूत्र बतौले बड़े। शाश्वत केदार एजा से चुनाव जीत जास तो कोनो बहुत बड़ बात ना हुई, यानी एक सीट के नुकसान तो सीधे सीधे नजर आ रहा बढ़ुए NDA के और भारतीय जनता पार्टी के, चूँकि भारतीय जनता पार्टी इस सीट पहले ही हार चुका रहा। अब ये पक्का हो गया कि सीट NDA जैसन कि सोचले रहा वो हिसाब से वो सीट छोड़े के पीछे भी कारण रहा कि जानत रहा कि अब के लिए सीट ना जीत सकेला। अब इस बात के लेकर के पूरा मुखर होकर के जो सूत्र बता रहे और चर्चा भी जबरदस्त बढ़ हुई है बात के लेकर के। आगे अगर बात करें पश्चिमी चंपारण के तो पश्चिमी चंपारण के जो स्थिति बा वो पश्चिमी चंपारण के स्थिति बहुत बेहतर कहल जा सकेला अगर मान के चली तो भारतीय जनता पार्टी खातिर। पश्चिमी चंपारण में संजय जायसवाल लगातार चुनाव जीतता होता रहे, अब के हाल उनका टिकड़ी बढ़ हुए, अगर अब के हाल चुनाव जीत जाता रहे तो हैट्रिक मरी है और ये रिकॉर्ड ब्रेक हुई। एक पीछे संजय जायसवाल के स्थिति मजबूत करे में अगर बहुत बड़ा हाथ अगर कोई के बा तो वो बाड़े राजन तिवारी। राजन तिवारी टिकट खाती महागठबंधन से पूरी तरह से आश्वस्त रहन कि उनका RJD के तरफ से जैसे टिकट मिली, अंतिम समय तक वो इंतजार भी कैले। जब टिकट ना मिलल तो गुस्सा में BSP से चुनाव लड़े के घोषणा कर दिले, लेकिन यह बीच में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी संजय जायसवाल या फिर जो
केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के, ओकरा दिमाग में आयल कि काहे ना राजन तिवारी के बात कर जा। और राजन तिवारी से बातचीत के दौरान राजन तिवारी भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा बन गए, शामिल हो गए। और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद अब वो भारतीय जनता पार्टी के जम के प्रचार करता रहे। एक साथ साथ जौन उम्मीदवार वजह से खड़ा कर रहे संजय जायसवाल के विरुद्ध महागठबंधन के तरफ से इस सीट RLSP के चल गई, और RLSP वजह से ब्रजेश कुशवाहा के खड़ा कर ले। अब स्थिति रुआ के बता दी कि कमोबेश एजा के स्थिति ये हो गई बा कि एजा जीत हार के आंकड़ा जौन बा वो तय करे वाला जौन समाज बाड़े वो जायसवाल समाज बाड़े। जायसवाल समाज की स्थिति ये बा कि जायसवाल समाज पूरी तरह से एक तरफ पैक्ट बढ़ुए, एक साथ साथ राजन तिवारी में बहुत बड़ा अंतर पैदा करता रहे। एजा से चांस ज़्यादातर बढ़ुए कि संजय जायसवाल फिर से अपन सीट बरकरार रखे में सक्षम हो जाए। अगर आगे के बात करी पूर्वी चंपारण के, तो पूर्वी चंपारण के स्थिति बा कि एजा स्थिति भारतीय जनता पार्टी के थोड़ा सा अलग नजर आ रहा बा। अलग नजर आ रहा बा कि राधा मोहन सिंह जौन लगातार एजा से जीतत आवत रहे, केंद्र सरकार में मंत्री भी बाड़े और कृषि मंत्री के रूप में वो भारत सरकार के मंत्रालय संभाल रहे बाड़े। पिछला 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री जब एजा आई रही तब प्रधानमंत्री कहले रही कि जौन चीनी मिल और जौन इतना दिन से कांग्रेस इस क्षेत्र के उपेक्षित करके रख ले बा ओकरा के हम बदल दे, सूरत बदल दे। सूरत बदले के शुरुआत भी हो गई है कि एजा जौन कृषि क्षेत्र प्रधान बढ़ुए, चीनी मिल बढ़ुए, सुगर मिल बा, एकरा के लेकर के राधा मोहन सिंह कृषि मंत्री बनावल गई है और लोग के भरोसा जाग गई। प्रधानमंत्री वादा कैले रहन मंच से कि हम अब जब भी आई ते एजा के चीनी मिल के चीनी के चाय पी करके आ तब वोट मांगब। चाय वाला हये हवे, कितना वादा पूरा भइल एकरा के लेकर के एजा के जनता पूरी तरह से मोतिहारी में विरोध में खड़ा हो गई बड़ी। हालांकि जौन RLSP के सीट मिलल बढ़ुए ओकरा में भी बहुत ज़्यादा जोर लग रहा बा। आकाश सिंह जौन की अखिलेश सिंह के सुपुत्र बड़े, अखिलेश सिंह भी कृषि मंत्री रहल बड़े और कृषि मंत्री काल में वो UPA 1 में कृषि मंत्री रहन, और बीच में वो प्रयास कैले रहन ओजा चीनी मिल स्थापित करे के। हालांकि नीतीश कुमार के सरकार में उनका NOC ना मिलल जौना के चलते ये पूरा योजना धरातल पर ना आ पाओल। एकरा के लेकर के बहुत कुछ अखिलेश सिंह भी कहले और अखिलेश सिंह के सुपुत्र बड़े अब आकाश, अब इस चीज़ के लेकर के आकाश सिंह दावेदारी करते रहन कि जीत उनकर हुई, पर ये बात अभी पूरी तरह से 50-50 पर आके अटकल बा। राधा मोहन सिंह छोट मोट नेता नहीं खन, ऐसे अभी यह सीट के फैसला भी अगर होते हुए तो हार जीत का आंकड़ा जो हुई 5,000-10,000 के बीच में हो सकेला। 50-50 के आंकड़ा में एजा राधा मोहन सिंह के थोड़ा सा 20 ऐसे के मंत्री रहल बड़े और बार बार जाके जनता के बीच में कहता रहे कि हमारा अंतिम चुनाव हो, हम चाहब कि जनता हमारा के जौन कमी बेसी रह गई के अब की हाली में पूरा कर दी। देखल जाए कि 23 तारीख के जब परिणाम घोषित होता तब ओकर का स्थिति सामने आई। अब आगे अगर बढ़ी तो शिवहर सीट भी भारतीय जनता पार्टी के लगे बा। जैसे रमा देवी लगातार चुनाव जीत रहा बड़ी, रमा देवी के बारे में लोगों को पता बढ़ुए कि वो ब्रजबिहारी सिंह के पत्नी रही है। ब्रजबिहारी के हत्या हो गई रहे रुआ पता ही बढ़ुए, वो पटना में ही भई रहे और बहुत बड़ा ही कारण भई रहे। एक में बहुत लोग के नाम आई रहे, शिव प्रकाश शुक्ला के नाम में सबसे ऊपर रहे, लेकिन और कई लोग एकरा में इन्वॉल्व भी रहे जिनका नाम आई रहे। केस बहुत लंबा चलल और ओकरा बाद से रमा देवी लगातार जीतता उतरी। रमा देवी के विरोध में जौन कैंडिडेट RJD दिले बा उ कैंडिडेट थोड़ा सा कमजोर लगातार रहे। कमजोर ऐसे लगातार रहे कि इनका विरोध खुद इनका साथ के लोग के लिए बढ़ुए। RJD में लालू प्रसाद के बड़ बेटा ए विरोध में खड़ा रहन, इस सीट चाहत रहन कि शिवहर वाला उनका मिल जाओ, लेकिन ऐसा हो ना सकल और एकरा विरोध में रहा। लेकिन अगर कहीं
रमा देवी एक ही स्थिति में एजा से पिछड़ सकेली जब ओजा के लोग यानी कि मतदाता एकजुट होकर के रमा देवी के हरावे के क्रिया कसम खा लेस। MOI समीकरण काम करी अगर यह तरीका के कुछ बात सामने आवे तब, लेकिन अभी तक ले रमा देवी की स्थिति ठीक ठाक पड़ू है। एजा से जो सैयद फैजल चुनाव लड़ता फैजल अली, वो फैजल अली पत्रकार से नेता बनल बड़न, कई ऐसा चैनल बढ़ुए, कई ऐसा मीडिया घराना बढ़ुए जौन से जुड़ल रहल बड़े, BBC से भी में भी काम कैले बड़े, एक साथ साथ राष्ट्रीय सहारा में भी रहल बड़े, और भी कई देशी विदेशी पत्रकार पत्रिका में वो काम कैले बड़न। लेकिन राजनीतिक अगर उनकर पहचान कहल जा तो राजनीतिक पहचान उनका के राजद लिया करके खड़ा कर ले बड़ुए, और अब क्या है उनका पर दाव आजमा रहल बड़ुए। अब आगे बढ़ी तो वैशाली के सीट बड़ुए, ये वैशाली के सीट LJP के खाते में रहल है। अब की हाली एक सीट चल गई बड़ुए LJP, चूँकि बतैली ही अलग से कि रमा सिंह के स्थिति रहला कि वो शुरुआत में ही LJP से विरोध में आ गई रहन, और प्रयास उनकर रहे कि उनका टिकट मिली RJD से, लेकिन ऐसा संभव ना रहे, बहुत बड़ा चेहरा रहा वजह से रघुवंश प्रसाद, और रघुवंश प्रसाद के रहते हुए वजह से टिकट मिले मुश्किल रहा। हालांकि रमा सिंह शिवहर से भी प्रयास कर रहन कि उनका टिकट मिलो, और वो कह भी दे रहे घोषणा भी कर दे रहन, लेकिन मामला वजह बहुत उलझ गई, चूँकि कांग्रेस भी वजह से टिकट लब लिया आनंद खातिर चाहत रहे, लेकिन इस सब के बाद यह कारण रहा कि वजह से फैजल अली के मौका मिल गए। लेकिन वैशाली के बात करते हैं तो वैशाली में वीणा देवी चुनाव लड़ते रही, वीणा देवी कोनो छोट मोट नहीं थी, वीणा देवी के पति खुद MLC बाड़न, और उनका के बाहुबली भी कहल जाला। वीणा देवी खुद कई चुनाव लड़ चुकल बाड़ी, एक साथ साथ वो BJP से विधायक भी रही है। अब स्थिति ये बा कि एजा के निर्णायक वोट जोन होला वो राजपूत और भूमिहार तय कर ले। हालांकि महागठबंधन के तरफ एक फैक्टर बढ़ुए कि एजा सहनी वोट विवाह, कुशवाहा वोट विवाह, यादव वोटर भी बढ़ान, और कहीं ये सब के एक जुटता हो जाए तो वैशाली से रघुवंश प्रसाद के नाई ओह पार लाग सकेले। लेकिन वीणा देवी बहुत मजबूत टक्कर देता रही, और मजबूत टक्कर में देखे वाला बात ही हुई कि 23 तारीख के परिणाम अगर आवत रुए तो कितना अंतर लेके आई, ऐसे कि रघुवंश प्रसाद खूब पसीना बहा रहल बड़न, बड़ा नेता बड़न, कई हलिए जैसे चुनाव जीत चुकल बड़न, और एक बार फिर हो सकेला कि जनता उनका तरफ मुड़े। एक सबसे बड़ा अंतर पैदा करे खातिर हुआ याद हुई कि दुश्मनी के बावजूद, एक दूसरा के कट्टर विरोधी होके के बावजूद चुनावी दौर शुरू होके के प्रारंभिक क्षण में ही अनंत सिंह और तेजस्वी यादव में 36 के आंकड़ा रहे, बैड एलिमेंट तक कह दिल रहन तेजस्वी यादव, लेकिन वह तेजस्वी यादव उनका पत्नी खातिर प्रचार कर गए, और बदले में रिटर्न गिफ्ट दिले है अनंत सिंह कि या आकर के वैशाली में, और रघुवंश सिंह खातिर प्रचार करके भूमिहार मतदाता के आग्रह कैले है, और एकजुटता दिखावे के कोशिश कैले है। राजपूत भूमिहार के एकजुटता अगर हो गई तो रघुवंश प्रसाद के जैसे बेड़ा पार बुड़े, नैया पार लग गई, और ऐसा स्थिति में एक और सीट के नुकसान NDA के हो सकेला। अगला सीट सिवान का लड़ाई बहुत मजबूत बा, और एक सीट और बढ़ुए जौन भारतीय जनता पार्टी अपना झोली में से JDU के दे देले बढ़ुए, और ये मानल जा रहा बा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के भरोसा रहा, ये जान गई रहा अंदर खेमे से कि एजा के सीट अकेले ना निकाल पाई। एक मतलब कि पहला जौन वाकओवर कहला वो महागठबंधन के यानी कि हिना साहब के RJD के मिल गई बा। शहाबुद्दीन के पत्नी है, शहाबुद्दीन के बारे में रुआ पता ही बा कि उनका के बाहुबली कहा जाला, लेकिन अजय सिंह जिनकर पत्नी कविता सिंह जैसे चुनाव लड़ रही वो एगो बाहुबली कहा जाले, हिंदुत्व के झंडा लेके घूमे ले बहुत तरह के बात, और कहले कि हिंदुस्तान में हिंदू ना रही तो के रही, कई हाली बातचीत के दौरान रुआ लोग सुनल ही बनी, कई उनकर पोस्टर बनी, और उनकर पत्नी कविता सिंह भी कमो बेस वही लिबास में रहली, बाल तो JDU में, लेकिन रुआ देखला के बाद ये हुई बुझाई कि हिंदुत्व के झंडा लेकर के भारतीय जनता पार्टी के एगो मजबूत कैडर वालों लड़ाई एजा भी जबरदस्त बा। लेकिन अगर MOI समीकरण काम कर गई, जनता एक बार फिर सोच लेलस
कि बीजेपी के हरावे के बुड़े यानी कि मोदी के प्रधानमंत्री नइखे बने देवे के ते एजा अंतर पैदा हो सकेला, यानी कि एक सीट और नुकसान 8 में से हो सकेला। ये पांचवा ऐसा सीट बुड़े जौन नुकसान में ज़्यादा दिख रहा बा, लेकिन परिणाम 23 तारीख का आई, 23 मई के रिजल्ट हुई भी तो हल्का फुल्का हुई, ऐसे कि लगातार हिना साहब शहाबुद्दीन के बाद लड़ता अवतारी और ओम प्रकाश यादव बहुत बड़ा फैक्टर रहे हैं, जो वर्तमान सांसद बड़े बीजेपी से रहे हैं और गुस्सा में भी रहे हैं, ब्राह्मण लोग के भी गुस्सा देखे के मिलल, एक साथ साथ और भी कई दल के गुस्सा देखे के मिलल बुड़ुए। अब अंतिम परिणाम का लेकर के आ रहा बा 23 तारीख का पता चली, लेकिन एक सीट अगर देखल जा तो मैंने 40-60 के रेशियो में ये भी एनडीए के विरुद्ध चल रहा बा। अगला सीट बा महाराजगंज के, महाराजगंज में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के टिकट कटे कटे तकले हो गए, लेकिन स्थिति ये भैल है कि अपन सीट बचा ले हा जौना कारण से बचा ले, लेकिन एजा के स्थिति बा कि एजा आरजेडी अपन एगो पुरान कैडर प्रभुनाथ सिंह के सुपुत्र पर भरोसा के लिए बा रणधीर सिंह पर, रणधीर सिंह के भी एजा भी निर्णायक वोटर जौन बाड़े वो दुही गो बाड़े, राजपूत एजा के निर्णायक वोटर होले और राजपूत जेने जई हैं उन्हें जीत हार के आंकड़ा पैदा हुई। हालांकि एजा भी फैक्टर MY काम करी जौन की रणधीर सिंह के पक्ष में जाई, युवा बाड़े इनका के लेकर के और एक समाज में उनका एक अलग पहचान रहा, चुनाव चूंकि हो चुकल बढ़ुए अब ऐसे बोलला से भी कोनो अंतर ना पड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये बात समझ में आ रहा बा कि एक सीट एजा भी बहुत कांटे के टक्कर में बढ़ुए और सिग्रीवाल के हो सकेला कि अब के लिए बेटिकट होके के पड़े, चूँकि एजा प्रचार के दौरान बहुत कुछ देखे के मिल रहा। हालांकि एजा तेजस्वी यादव के सभा में आए लोग ये बात भी कहल है जौन कि मीडिया के कई चैनल से बात के देखौले रहन, कितना एकरा में हकीकत बा का बा ये तो हमनी के ना बता सकी ले जा, ऐसे कि हमनी के जौन सामने आई तो चर्चा खाली कर रहा बनी कि कई लोग जौन युवा रहे हा उनका से पूछल गई तो कहले कि सिर्फ तेजस्वी यादव के भाषण सुने आई रहनी हा, वोट तो हम कमल छाप पर ही दे, कितना अंतर हुई 23 तारीख के रुआ सुन ही बनी कि जब राजा जी गई ले पूछले कि ए भाई तरा भी आई बनी तनी बता दो, एगो ठाकुर जी के लगे गई रह जौन बाल दाढ़ी बनावे ले, कहले कि कितना बाल बा तनी गिन के बता देना, कहले कि राजा साहब ये तो सामान्य सा बात बा, बस रुआ बैठी कुर्सी पर तुरंत बता देता नहीं ऐसे कि रुआ खुद गिन ले, इतना एकदम आसान तरीका बढ़ुए सारा बाल नीचे गिर जाई ऑटोमेटिक गिन ले, कहब तो करा के वो चंगोली में कह के दे दे रुआ के घरे जाके गिन ले, ये तो सामान्य सा चीज़ बा, यानी कि का कहे के बुड़ुए का दिखावे के बा कि रुआ सामने ही सब आ जाए, 23 तारीख के तो सारा चीज़ सामने आ जाए, गिन लेवे के बा केकरा कितना मिली, आंकड़ा जौन आ रहा बड़े अलग अलग वो बड़ा अजीब तरह के आ रहा बड़े, कहीं एक जुट नहीं खे, सारा सर्वे अब कहली फेल बा, एक भी सर्वे कॉन्क्रीट या पूरा विश्वसनीयता के साथ ये नहीं के बता सकत कि केकर सरकार बनी, दावेदारी अलग बुड़ुए और सर्वे अलग बा। फिर कोनो खबर लेके रुआ लोग के सामने हाजिर होता नहीं, तब तक खाती इजाज़त दी ही सबे, देखत नहीं सबे भारत लाइव पर लगातार खबर आ रहा बड़ुए और वो खबर जौन रउआ से सीधे सीधे सरोकार रखेला। फिर मिलता नहीं थोड़ी देर में गोर लगाता नहीं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, धन्यवाद।